अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रीवा. एडमिशंस ओपन नाउ. एड्रेस नियर बाईपास क्रॉसिंग रतहरा रीवा. जन आशीर्वाद यात्रा निकाले रीवा ने कल सिमरिया विधानसभा में यात्रा की और गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए. तो उनका कहना है कि अब कांग्रेस दिखेगी नहीं और जिस तरह से यात्रा चल रही है, जन समर्थन मिल रहा, फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बनाने जा रहे हैं. अभी दो राज्यों में चुनाव हुआ है और भाजपा की क्या स्थिति रही है कर्नाटक और हिमाचल में, वो आप सबने देखा है, पूरा देश देखा है. मध्य प्रदेश में भी उनकी यही स्थिति होगी. अब मन बहलाने के लिए ये इस तरह की बातें करते रहे. अब जन आशीर्वाद यात्रा किस बात की यात्रा निकाल रहे हैं? एक तरफ अघोषित बिजली कटौती चल रही है, ट्रांसफार्मर्स जले हैं, बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं, किसानों को समय पर खाद बीज नहीं मिलता, पटवारी घोटाला हो गया भर्ती में, घोटाले पे घोटाला, व्यापम घोटाला, स्कॉलरशिप का पैसा तक तो डाल नहीं पा रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दो दो महीने से पैसा नहीं जा रहा है, खाद्यान्न वितरण नहीं हो रहा है. कौन सी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे? इनको तो माफ़ी मांगने वाली यात्रा निकालना चाहिए. ये बेशरम लोग हैं, ये इसी तरह की बातें करते हैं. अभी इनका विकास पर और विकास यात्रा से पेट नहीं भरा था. देखिए अभी जन आशीर्वाद यात्रा जनता ने जवाब दिया एक जिले में, और इसी तरह से ये लोग अगर जनता का मजाक उड़ाएंगे तो हमें लगता है कि इनकी जन आशीर्वाद यात्रा कहीं बीच में ही नहीं रोकनी पड़े, क्योंकि जनता के दर्द को बांटने की बजाय, समस्याओं का समाधान करने की बजाय सिर्फ भ्रष्टाचार करने में लगे हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं. जन आशीर्वाद यात्रा में कौन आ रहा है? सब अधिकारी कर्मचारी, छोटा वर्कर, जो सरकारी जितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, आशा कार्यकर्ता हो, सचिव हो, रोजगार सहायक हो, सबके ऊपर डंडा चल रहा है. सब परेशान हो चुके हैं इस सरकार से. तो ये इनकी यात्रा पूरी तरह से दिखावे की है और ये चला चली की बेला है. सत्ता परिवर्तन होगी, 100% पूरी बहुमत से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी. शिक्षकों और तमाम लोगों का फिर से मानदेय बढ़ा के सरकार एक मैसेज देना चाह रही है कि आगे उनको कंटिन्यू करेंगे, फिर उनको परमानेंट करेंगे. तमाम चीज़ों का जिक्र हो रहा, 10,000 करोड़ का नोटिफिकेशन जारी हुआ, कर्ज भी ले लिया शिवराज सिंह चौहान ने, और लाडली बहना जिसका ग्राउंड पे इम्पैक्ट बता रहे हैं, ये तमाम चीज़ें तो चल रही हैं. देखिए इतने वर्षों से सत्ता में थे, तब लाडली बहना भी याद नहीं आई, हमारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी याद नहीं आए. ये जिस तरह से घोषणाओं का अंबार लगा रहे हैं, जिस तरह से सिर्फ सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं, इनके देश की सरकार और प्रदेश की सरकार को इनके चाल और चरित्र पूरे को समझ लिया है. जितना बेरोजगारी है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, भ्रष्टाचार की तो कोई सीमा ही नहीं है. 50% हम लोग कहते हैं, हमें तो लगता है कि कोई परसेंट ही नहीं बचा, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया है. जहाँ देखो वहीं लूट मची हुई है. यहाँ तक कि ये इवेंट करने के लिए जो मंच लगाते हैं माध्यम के माध्यम से, इसमें बहुत बड़ा घोटाला है. और ये कहाँ का पैसा है? जनता का पैसा ही तो है, किसका पैसा है? गरीब और छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान है. किसान का खसरा खतौनी, बरसाना, नामांतरण, जो भी मैटर है, सब में बिना लेन देन किए कोई काम नहीं हो रहा है. जिधर देखिए लूट मचा हुआ है. तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारी सरकार 15 महीने थी, हम लोगों ने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया था, अधिकारियों को लेके गांवों में जाते थे और छोटी जगह पे वहीं कैंप लगता था, वहीं समस्या का निदान हो जाता था. पर इनका सिर्फ भाषण है. और हमारा तो एक नारा है, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको मोदी और शिवराज सिंह सरकार ने ठगा नहीं. जिस तरीके से अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का ये कहना था कि तीसरी बार देश नोटबंदी के लिए तैयार रहे, क्या लगता है? देखिए जिस तरह से हमारे देश में हो या विदेशों में हो, सभी जगह इंडिया शब्द मेंशन है. आप समझ सकते हैं कि कितना सारा व्यय आएगा. इन्होंने कई स्टेशंस, कई जिलों का नाम बदला है और आप देखिए उसकी आज क्या स्थिति है. आज भी वो नहीं कर पा रहे. बहुत सारे बच्चों का भविष्य खराब करेंगे जो इंडिया के बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं. जैसे आपका कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स है, कई ऐसे स्वास्थ्य संस्थान हैं जहाँ पर इंडिया शब्द मेंशन है, ठीक है ना. तो ये जो कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह का इवेंट कर रहे हैं और देश को पता नहीं कौन सी दिशा में लेके जाने वाले हैं. नोटबंदी, जीएसटी, एफडीआई से जितना नुकसान हुआ था, कोविड में जितना नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई हो नहीं पा रही है और ये नए नए सगुफा छोड़कर देश को दिशाविहीन करने वाला काम कर रहे हैं. भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची पहले जारी कर दी,
स्टैंडिंग कमेटी में आप हैं, कांग्रेस में फिर से वही परिस्थितियां देखी जा रही कि एक एक सीट में चार चार पांच पांच विधानसभा के दावेदार हैं, फिर से वही ऊहापोह की स्थिति निर्मित हो रही है। कब तक सूची जारी करेंगे पहली, या फिर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि पहले 15 सितंबर था, अब ऐसा लग रहा कि 20 के बाद जारी होगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टाइम बहुत क्लोज चला जाएगा इलेक्शन के तब जारी? देखिए, समय पर जारी होगी। कांग्रेस पार्टी ने, जो हमारे नेताओं ने लगातार जो बातें कही थी कि हम इतने तारीख को सूची जारी कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उस झांसे में आकर और जिस तरह का उनने निर्णय लिया और पूरे प्रदेश में जिस तरह से उनकी किरकिरी हुई है, खिलाफ में यात्राएं निकली है, कांग्रेस पार्टी के नेता बहुत सूझबूझ वाले नेता हैं। जब उचित समय होगा, पूरी तैयारी है, और हम तो बधाई देते हैं कि कम से कम एक सीट पर 10-10 दावेदार हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि हमारी सरकार बनने वाली है। तो मांगने का अधिकार सबको है, पर लड़ेगा एक, और सबको मिल के लड़ेंगे। सारे टिकट प्रार्थियों ने यह संकल्प लिया है कि बार हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, ना कि आपस में है। एक आखिरी सवाल, नारायण त्रिपाठी ने एक होर्डिंग लगवाया है भोपाल में जिसमें कमलनाथ जी का भी फोटो है, शिवराज सिंह चौहान का भी फोटो है, क्या स्टैंड होगा? नया जिला भी मैहर बन गया लेकिन वो नहीं गए, क्या कांग्रेस के संपर्क में है, क्या जल्द कांग्रेस ज्वाइन कर? देखिए, नया जिला तो ये कांग्रेस के टाइम में ही घोषणा हो गई थी, ये तो करना ही था। सरकार नहीं गई होती तो मऊगंज भी जिला बनता, ये भी बहुत दिन से मांग चल रही थी, आपका मैहर भी बनता। पर ये लोग चुनाव के समय ही क्यों करते हैं? इनकी स्मार्ट सिटी की घोषणा की थी, कौन सी सिटी स्मार्ट हो गई? ना चित्रकूट हुई, ना मैहर हुई, ना सिंगरौली स्मार्ट सिटी बना, तो ये तो सगुफा छोड़ते हैं। तो इनका काम इसी तरह की बातें करके, जनता को गुमराह करके, सस्ती लोकप्रियता हासिल करके सत्ता में काबिज होना है, ना कि लोगों को न्याय दिलाने का है। जिला बना उसकी बधाई है, पर जिले में लोगों को सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। निवाड़ी एक जिला बना था, आज भी जिला पंचायत का अन्य काम के लिए लोगों को टीकमगढ़ जाना। आज भारत जोड़ो यात्रा को एक साल आज पूरे हो रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? दूसरा, आज भी एक जो AICC से कार्यक्रम जारी हुआ है कि अलग अलग ब्लॉक स्तर पे करना है। देखिए, ये ऐतिहासिक दिवस है। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से त्याग और समर्पण के साथ देश हित में जो लड़ाई लड़ी है, हम उनको बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं कि आपने हम सबको प्रेरणा देने का काम किया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन में बोलने से विपक्ष को रोकती थी, सही बात सुनने को तैयार नहीं थी, ऐसी परिस्थिति में जब आपकी आवाज़, कांग्रेस पार्टी के सांसदों की आवाज़ दबाई गई, जब वहाँ बोलने का मौका नहीं देते थे, तो राहुल गांधी जी ने जो निर्णय किया और जो उन्होंने 3,700 किलोमीटर की यात्रा करके पूरे देश को एक संदेश देने का काम किया है, ये हम समझते हैं कि हमें गर्व होता है अपने नेता के ऊपर भी, अपने पार्टी के ऊपर ये गर्व होता है कि देश की आर्थिक व्यवस्था जो चौपट हो रही है, संविधान के साथ जिस तरह से खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, मिले हुए अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है, बेरोजगारी का बहुत बड़ा विषय था, महंगाई का विषय था, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, इन सब विषयों को लेके सड़क पर आकर जो राहुल गांधी जी ने सभी विषयों को लेके जो इतनी बड़ी यात्रा की है, हम समझते हैं कि ये और कोई नहीं कर सकता, ये कांग्रेस पार्टी के नेता ही कर सकते हैं। और राहुल गांधी जी को क्या कमी थी? राहुल गांधी जी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के परपोते थे, इंदिरा जी के पुत्र थे, राजीव जी के बेटे थे, तो तीनों देश के प्रधानमंत्री रहे, फिर भी वो सड़क पे उतर के जिस तरह से धूप में, बारिश में, ठंड में, सभी चीज़ों की बेपरवाह करते हुए देश के लिए लड़ाई लड़ी है। और हम समझते हैं कि ऐसे हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा स्वस्थ रहे और इसी तरह की प्रेरणा हम सबको देते रहे, और आज हमारे हर ब्लॉकों में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ पे यात्राओं का आयोजन है, सम्मेलन का आयोजन है, सहभोज का आयोजन है, और हम समझते हैं इसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, तमाम मुद्दों पर बातचीत, सोनिया गांधी ने भी एक लेटर लिखा है। देखिए, पहली बात तो कभी भी जब हम कोई इस तरह का सेशन बुलाते हैं तो परंपरा रही है कि जो दूसरे भी विपक्षी दल हैं हम उनसे भी सबसे चर्चा कर ले, और कौन से विषय को लेके हम ये सत्र आहूत कर रहे हैं, हमेशा इस तरह की परंपरा रही है। पर वर्तमान में जो सत्ताधीश है ये सभी नियम प्रक्रिया से ऊपर है, ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं।
और इसीलिए इस तरह की स्थिति पैदा हुई है कि आज पता नहीं है विपक्षी नेताओं को कि जो विशेष सत्र बुलाया गया है किस लिए बुलाया गया है। ये चिंता का विषय है, ये देश की जनता को भी जानने का अधिकार है और सांसद जो है जो विपक्ष के साथी है उनको भी जानने का अधिकार है। ये सिर्फ आडंबर की राजनीति वर्तमान में चल रही है, अपनी कमियों को, सरकार की कमियों को छुपाने की राजनीति चल रही है। देश की जनता आक्रोशित है, उस आक्रोश से बचने के लिए नया नया इवेंट करने की जो चाल चल रहे हैं, पर ये इस चाल में कामयाब नहीं होंगे, ये बेनकाब होंगे। देश और प्रदेश में सभी जगह कांग्रेस की सरकार बनेगी और इनका अंत होगा। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन की जो चर्चा शुरू हो गई है, पूर्व राष्ट्रपति को उस पर कमेटी में चेयरमैन बनाया गया है, तो इस तरह की परिस्थितियां क्या बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, इतना आसान नहीं है, ये अपनी, हमने पहले भी कहा, ये अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए इस तरह के इवेंट कर रहे हैं। आज कैसे पॉसिबल होगा? अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट है और कैसे संभव होगा कि अभी जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उनको डिसॉल्व करके फिर से चुनाव एक साथ कराएंगे? तो ये संभव नहीं है, अभी चर्चा होने दीजिए। और अगर इस तरह से कोई भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है तो देश को दिशाहीन करने वाला काम करने वाले हैं, देश की पूरी व्यवस्था चौपट करने वाले हैं। अभी कहीं नाम बदलने की बात करते हैं तो कभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, ये महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अनुसूचित जाति जनजाति के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, इन सब बातों को छुपाने के लिए इस तरह के इवेंट्स किए जा रहे हैं जो हम समझते हैं कि देश हित में नहीं है। अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रीवा, एडमिशन्स ओपन नाउ, एड्रेस नियर बाईपास क्रॉसिंग रतहरा रीवा।